हाय स्टूडेंट्स वेरी वॉम वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप तो काफ़ी टाइम से आप लोगों की एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के बारे में डिटेल में बता दीजिए जैसा मैंने एक शॉर्ट में थोड़ा सा समझा दिया था तो आ, उसी रिक्वेस्ट को ध्यान रखते हुए मैं ये वीडियो प्रिपेयर कर रही हूँ तो आइए जानते हैं क्या होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ठीक है तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है हर एक प्रोसेस का एक खाता बना के रखता है एक अकाउंट बना के रखता है या और उस अकाउंट को एक डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू मेंटेन करता है जिसे हम क्या कहते हैं हम कहते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ठीक है block, तो जितना भी आपके प्रोसेस हैं उनको एक डेटा स्ट्रक्चर में उनकी सारी डिटेल्स स्टोर करके रखी जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक तो आप थोड़ा हम इसके बारे में समझते हैं ईच एंड एवरी प्रोसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एंड इट्स अ डेटा स्ट्रक्चर इन विच वी स्टोर एवरी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अ प्रोसेस एंड नेक्स्ट वन इज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ऑल्सो नोन एज टास्क कंट्रोलिंग ब्लॉक ठीक है इसे आप क्या कहते हैं टास्क कंट्रोलिंग ब्लॉक भी कहते हैं और इसे प्रोसेस टेबल भी कहा जाता है तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं तो देखिए अब नेक्स्ट है इट्स अ डेटा स्ट्रक्चर जैसा मैंने पहले आपको समझा दिया है कि इट्स अ डेटा स्ट्रक्चर राइट जो कि क्या कर रहा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल मेंटेन करता है किसके लिए सो so दैट कि वो किसी पर्टिकुलर प्रोसेस की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर कर सके ठीक है इट्स अ डेटा स्ट्रक्चर इन ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन नीडेड टू मैनेज अ पर्टिकुलर प्रोसेस अच्छा प्रोसेस के रिगार्डिंग डेटा को स्टोर कर रहा है ये तो हमने बात कर ली थी क्यों कर रहा है देखिए जैसे आपने किसी प्रोसेस को कोई प्रोसेस वेटिंग स्टेट में चला गया था तो उसे बाद में रेडी स्टेट में भेजना है ठीक है ताकि वो रनिंग स्टेट में आ सके तो इसका हमें कहीं रिकॉर्ड रखना पड़ेगा ठीक है या आ, जैसे कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करते करते कहीं जंप करके चला गया था सब रूटीन कॉल हो गया ठीक है तो उसे दोबारा से तो अपने प्रोसेस को रिज्यूम करना पड़ेगा ना तो हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं स्टोर होना चाहिए वो कहाँ रहेगा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में रहेगा सो पीसीबी इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ अ प्रोसेस इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है तो आगे हम देखते हैं ओके सो दिस इज द ब्लॉक डाइग्राम ऑफ पी सी बी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ठीक है ये आई एम सॉरी फॉर दिस ओके तो ये क्या क्या डेटा को स्टोर कर रहा है पॉइंटर पॉइंटर मैं सबको डिटेल में बताऊंगी प्रोसेस स्टेट आपको ये आसान लग रहा होगा प्रोसेस नंबर प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर्स मेमोरी लिमिट्स लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स इसके अलावा मेरी मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन होंगी आपकी इसके अलावा कुछ आपके पास कैसी इन्फॉमेसन होंगी जैसे अकाउंटिंग इंफॉमेसन होगी कोई प्रोग्राम कितना देर रन चुका कर चुका है और कितना मैक्सिमम कितना देर रन करेगा एंड सो ऑन दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन राइट ओके सो लेट्स कम टू द इन्फॉमेशन पार्ट राइट तो ये मैंने सारे बता दिए हैं आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं पॉइंटर है प्रोसेस स्टेट है प्रोग्राम काउंटर है सी पी यू रजिस्टर है शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन है मेमरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन है काउंटिंग आई यू स्टेटस इन्फॉर्मेशन एंड सो ऑन। ठीक है तो अब हम बारी बारी से समझते हैं कि कौन सा क्या है ठीक है तो देखिए पॉइंटर्स आपके क्या है इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ अनदर प्रोसेस विच इज़ प्रेजेंट इन द रेडी क्यू आपको पता होगा कि जो आपका प्रोसेस है प्रोसेस स्टेट का आपको पता होना चाहिए है ना तो कोई भी प्रोसेस पहले रेडी स्टेट में रहता है उसके बाद रनिंग स्टेट में जाता है तो रेडी स्टेट में एक रेडी क्यू मेंटेन होती है ठीक है जो ये बताती है कि जैसे मैंने एक्स और वाई दो प्रोसेस हैं पहले जब ये एक्स जाएगा रनिंग स्टेट में ठीक है जब ये एक्स रनिंग स्टेट में जाएगा तो ये क्या करेगा ये आपस में लिंक है ठीक है तो पॉइंटर पार्ट क्या करता है जैसे एक्स का जब आप पॉइंटर मेंटेन करेंगे तो आप वाई का एड्रेस बताएंगे क्यों क्योंकि ये किस चीज़ को पॉइंट है इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ अनदर प्रोसेस विच इज प्रेजेंट इन द रेडी क्यू मतलब इसके बाद एक्स के बाद कौन आएगा उसका डेटा हम लोग यहाँ पे इन स्टोर करेंगे ठीक है अब हम लोग आ जाएँ प्रोसेस स्टेट क्या होता है इट कंटेन्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टेट ऑफ प्रोसेस तो आप जानते हैं प्रोसेस स्टेट्स जो होते हैं मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में कवर हो किया हुआ है आप वहाँ से देख सकते हैं अदरवाइज ये मैंशन है तो आप यहाँ पर स्टोर करेंगे कि प्रोसेस किस स्टेट में है न्यू स्टेट में है रेडी स्टेट में है वेटिंग में है हॉल्ट है या रनिंग में है जो भी है आपको उसे मैंशन करना पड़ेगा ठीक है तो अब आते हैं हम नेक्स्ट उसमें प्रोग्राम काउंटर देखिए प्रोग्राम काउंटर क्या बताता है देखिए आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी प्रोसेस हैं अब जो पॉइंटर पार्ट क्या कर रहा था रेडी क्यू में कई सारे प्रोसेस हैं एक्स वाई जेड, ठीक है अगला प्रोसेस कौन सा आएगा उसका एड्रेस बताता है कौन पॉइंटर वाला इंफॉर्मेशन लेकिन जो प्रोग्राम काउंटर है जैसे आप प्रोग्राम एज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शन आपको ये पता होना चाहिए अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट राइट तो आपका प्रोग्राम इज़ अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस ठीक है तो मान लीजिए आपके पास टेन इंस्ट्रक्शंस हैं ठीक है मान लीजिए आप इंस्ट्रक्शन नंबर टू एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आपको कौन बताएगा कि अगला इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट करना है रैंडम एग्जीक्यूशन होगा तो आप यहाँ भी आ सकते हैं फिर आप यहाँ आइए यह, फिर यहाँ आइए ठीक यह, है तो ये चीज़ को मेंटेन करने के लिए कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन एग्जीक्यूट होना है टू के बाद थ्री ही आएगा उसके लिए हम प्रोग्राम काउंटर का डेटा मेंटेन करते हैं ये बताता है कि अगला इंस्ट्रक्शन किसी प्रोसेस का अगला इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाला है उसका क्या एड्रेस होगा ये इन्फॉर्मेशन आपको कौन बताता है प्रोग्राम काउंटर तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है ये अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस बता रहा है और जो पॉइंटर था वो अगला वाला जो मतलब अगला प्रोसेस जो आएगा रेडी क्यू में उसका एड्रेस स्टोर कर रहा था ठीक है अब हम लोग आ जाते हैं सी पी यू रजिस्टर रजिस्टर वेरी नंबर जैसे आप देखिए किसी भी सिस्टम में कितने रजिस्टर होंगे सी पी यू रजिस्टर ये कंप्लीटली उसके आर्किटेक्चर पर डिपेंड करता है जितने ज़्यादा आपके सिस्टम एडवांस होते जाते हैं एक्सपेंसिव होते जाते हैं उसमें उतने ज़्यादा वहाँ पे रजिस्टर्स होते, होते हैं अब इसमें जो मोस्ट कॉमन रजिस्टर्स हैं वो है आपका एक्मलेटर है इंडेक्स रजिस्टर है स्टैक पॉइंटर है जनरल पर्पज़ रजिस्टर है तो ये बेसिकली हम यहाँ पर बहुत डिस्कस नहीं करते हैं दैट इज़ पार्ट ऑफ सी ओ ए कंप्यूटर आर्किटेक्चर आपको पता होना चाहिए ठीक है ओके okay. चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग वन सेकेंड सो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कि सी पी यू शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन क्या है ठीक है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं तो uh, किसी भी प्रोसेस की क्या प्रायोरिटी है सीपी शेड्यूलिंग भाई शेड्यूलिंग करने के लिए आपको प्रोसेस की प्रायोरिटी पता होना चाहिए सबका वेट सबका अराइवल टाइम पता होना चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन जो आपको शेड्यूलिंग के लिए ज़रूरत है जिनकी ठीक है वो आपकी सी शेड्यूलिंग इन्फॉमेसन होगी जैसे प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या है पॉइंटर टू शेड्यूलिंग क्यूज़ ठीक है मतलब शड्यूलिंग uh, क्यूज़ जो हैं उनका आपको एड्रेस मतलब किस तरह से वापस में कनेक्टेड है वो एंड इसके अलावा जो भी आपको शेड्यूलिंग पैरामीटर्स की ज़रूरत है जैसे uh, हम जो बता रहे हैं कि जैसे किस टाइम पे आया हुआ है या किसकी क्या प्रायोरिटी है इसके अलावा भी कुछ कंडीशनस हम लगा सकते हैं जो मेरे दिमाग में भी स्ट्राइक नहीं करी है तो बहुत सारे पैरामीटर इनके बेसिस पे आप शेड्यूलिंग भाई ये मतलब ये कर्नल का प्रोसेस है या, या यूज़र प्रोसेस है ये सारे भी क्राइटेरिया लग सकते हैं ना ठीक है तो Uh, अब हम आ जाते हैं मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉमेसन आपकी कौन कौन सी हैं तो इसमें आपका दिस इन्फॉर्मेशन इज़ रिलेटेड विथ सम वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट जैसे कि पेजिंग यूज़ हो रहा है या पेज टेबल का क्या एड्रेस है सेगमेंट टेबल का क्या एड्रेस है ये लिखा है ना वैल्यू ऑफ बेस एंड लिमिट ऑफ रजिस्टर्स पेज टेबल्स के बारे में सेगमेंट uh, टेबल्स के बारे में इंफॉर्मेशन एंड डिपेंडिंग ऑन द मेमोरी सिस्टम यूज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये आपका टोटली मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपका मेन मेमोरी को कितने पेज में डिवाइड किया गया है और सॉरी सेकेंडरी मेमोरी कितने पेज में डिवाइड किया है मेन मेमोरी को कितने फ्रेम्स में डिवाइड किया है ये सारी इंफॉर्मेशन जिसकी हमें फर्दर प्रोसेसिंग में ज़रूरत पड़ सकती है किसी भी प्रोसेस के लिए ठीक है या इसके लिए कि भाई ये जो प्रोसेस है ये कौन से प्रोग्राम का पार्ट है भाई जब आप वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट करते हैं तो ज़रूरत के हिसाब से कुछ कुछ पोर्शन को लाते हैं और उसको हम एज अ कंप्लीट प्रोसेस ट्रीट करते हैं ठीक है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मतलब मेमरी मैनेजमेंट वाली उसी टर्म में हमें चाहिए होगी आइए देखते हैं तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में आ जाते हैं कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आएंगी कि आपका अकाउंट नंबर क्या है आपका जो टाइम लिमिट है क्या है मतलब जैसे कितने मैक्सिमम टाइम तक कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा इसके अलावा कि सी पी को टाइम मतलब कितना सी पी टाइम अभी तक कंज्यूम हो चुका है और कितना टाइम उसे और चाहिए ठीक है ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते लेकिन हाँ कि कितना टाइम अभी तक सी का किसी भी प्रोसेस ने यूज़ कर लिया है रियल टाइम में ठीक है अनएक्सपेक्टेड क्या था ठीक है तो जो भी प्रोसेस का नंबर है या कह लीजिए प्रोसेस आईडी है ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जाएगी सो दैट वी कुड आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर प्रोसेस ठीक है अब हम लोग आ जाते हैं किस पे इनपुट आउटपुट स्टेटस कि किसी भी प्रोसेस के थ्रू कितने इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई किया गया है इसका इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से गैदर करेंगे सो दिस इंफॉर्मेशन इंक्लूड द लिस्ट ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस एलोकेटेड टू प्रोसेस एंड लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स ठीक है सो हेंस पी सी बी एज द रिपोजिटरी ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन दैट मे बी वेरी फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस अच्छा आपको ये नहीं समझना है कि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जितने भी पी सी बी है सब में एक ही इंफॉर्मेशन नहीं पहली चीज़ तो प्रोसेस का आई डी ही अलग हो जाएगा उसके कितने चाइल्ड प्रोसेस हैं काउंटिंग इन्फॉर्मेशन में भी आ सकता है ना कितने उसके आ, मतलब हाँ कितनी बार उस पर फोक चलाया गया है और कितने उस मतलब प्रोसेस टर्मिनेशन और ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पे स्टोर रहेगी ठीक है किस किस स्टेट में जा चुका है सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और uh, मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा थैंक यू गाइज कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ बाय बाय